सामने गए थे किताब नहीं लेके, जिससे वो नाराज चल रहा है। शाम में थे किताब नहीं लेके, वो नाराज चल रहा है। सवाल जो है क्या चुनाव का है, अपनी पार्टी में नहीं मानते हमें, और चुनाव का है। तेज तेजस्वी की तलखियां अब बढ़ती जा रही है। अब इस पर तेजस्वी यादव ने भी चुप्पी तोड़ी है। पहले क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, आपको सुनवाते हैं। हम नहीं कह रहा, तो आपको दिखा जो हुआ है वहां हो रहा है, बस हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव से जुड़ा हुआ सवाल है, आप लोग परेशान में गए थे किताब नहीं लेके, जिससे वो नाराज चल रहा है। सवाल जो है क्या चुनाव का है, अपनी पार्टी में नहीं मानते हमें, और चुनाव का है। आपकी बात तेजस्वी जी, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि अगर दो सीटें आप जीत गए तो आपकी सरकार बन जाएगी, तो कैसे वो कैसे बनेगी? अगर दो सीट आप जीत गए तो सरकार आगे आपकी कैसे बनेगी? हम अभी खुलासा करते ताकि काले ना हो। अभी कोई चीज बताई जाती मध्य प्रदेश में सरकार गई ना, कैसे गई है? नंबर तो नहीं था बीजेपी के पास, ना कोई ऐसा पिछला दल था जिसकी संख्या मेजोरिटी में कांग्रेस। आपको बता दें कि जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से सवाल खड़ा किया कि आपके बड़े भाई तेज प्रताप यादव नाराज चल रहे हैं, आप उन्हें प्रचार प्रसार करने साथ क्यों नहीं ले गए, तो तेजस्वी यादव इस सवाल से बचते दिखे और उन्होंने साफ कहा कि ये अभी एजेंडा नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर ही बात करनी चाहिए। आपको बता दें कि तेज प्रताप काफी दिनों से राजद वो अपने भाई तेजस्वी यादव से नाराज चल रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले जब स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी, उस वक्त तेज प्रताप यादव की नाराजगी काफी बढ़ गई थी। अपने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने यह नाराजगी जाहिर भी की थी। कुछ दिनों पहले जब प्रचार प्रसार करने लालू प्रसाद यादव के साथ तेजस्वी यादव चुनावी क्षेत्र जा रहे थे, तो उस वक्त भी तेज प्रताप यादव की नाराजगी सोशल मीडिया के जरिए देखी गई जब उन्हें साथ में नहीं ले जाया गया था। उन्होंने एक पोस्ट जारी किया था जिसमें उन्होंने जगदानंद सिंह के ऊपर सवाल खड़े किए थे और उन्होंने कहा था कि जगदानंद सिंह मुझे नहीं लेके गए। अब एक तरफ जहां तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि ये दो सीटों पर जीतने के बाद वो सरकार बना लेंगे, तो वही दूसरी तरफ एक महागठबंधन में फूट हो चुकी है। वही राजद परिवार, कह ले कि लालू परिवार में मतभेद होने के बाद तेजस्वी यादव व राजद पर, राजद के वोट बैंक पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है ये 2 नवंबर को साझा किया जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहे हेडलाइन बिहार के साथ। हमारे व्हाट्सएप लाइक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।